हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांस ऑफ मैन का एपिसोड 15। मैंने पहले के भी एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 15वां एपिसोड, ये हायाकावा से कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक रुमाल है। फिर ये हायाकावा से कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा जिंदगी कम हो जाएगा। हायाकावा कहता है कि ये रुमाल से तो नहीं होगा। फिर वहाँ एक आदमी गोली चलाने आता है, तो ये अपने पंख से बचा लेती है, रोक लेती है। तो फिर हायाकावा उस आदमी को मारता है और कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। तो लड़की कहती है कि ऑर्डर, ये फाइट से तो अच्छा है। फिर हायाकावा आगे चलता है, फिर उसे वही छोटी सी बच्ची मिलती है। वो कहती है कि स्नेक, उसे बाहर रोक लो। तो वहाँ पर फिर से वही घोस्ट डेविल आ जाता है। छोटी सी बच्ची कहती है कि इसे खत्म करो। हायाकावा उसे लड़ता है। हायाकावा का डेविल उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा यूज किया तो तुम अपने दाहिने आँख से थोड़ा फ्यूचर देख सकते हो। तो हायाकावा कहता है कि बस। छोटी सी बच्ची कहती है कि इसका गला दबाओ। वो घोस्ट डेविल हायाकावा को और मारती है। तो फिर हायाकावा को ह्यूमनों का याद आता है, वो उसे नीचे गिरा देती है। हायाकावा को याद आता है कि हिमेनो ने उसको कहा था कि इसे कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए इसे सिर्फ डर दिखता है। तो वो हायाकावा को एक सीक्रेट देती है और उसमें लिखा रहता है आसानी से बदला। तो हायाकावा उसके ऊपर चढ़कर उसके गर्दन को काट देता है। वो छोटी सी बच्ची इस बेरहम मौत को देखकर चौंक जाती है। हायाकावा कहता है कि उस बच्ची को मत खत्म करो। तभी इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो छोटी सी बच्ची के गर्दन पर कुबिनी ने चाकू रखा हुआ होता है। हायाकावा उसके पास जाता है और कुबिनी से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों हो। तो कुबिनी कहती है कि हमको बोनस मिलने वाला है, इस कारण से अभी तक मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के लिफ्ट में डेंजी और पावर दोनों एक साथ आ रहे होते हैं। तभी डेंजी देखता है कि पावर के हाथ में एक मांस का टुकड़ा है जिसे वो खा रही होती है। ये सब देखकर डेंजी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस मांस के टुकड़े से गंध आ रही होती है, जिसके कारण पावर को वो खाने से मना करता है। तो पावर कहती है कि यह तो मीट है, सारे मीट एक ही जैसे होते हैं। तो डेंजी बोलता है कि ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ना तो इंसान का मीट है, ना ही कोई जानवर का मीट है, ये तो एक जॉम्बी का मीट है। डेंजी कहता है कि हमारा काम है डेविल मैन को पकड़ना, तुम ये सब मत करो और अपना काम पर ध्यान दो। तभी लिफ्ट खुलता है, 156th फ्लोर पर रुकती है। लिफ्ट जैसे ही खुलता है पूरे फ्लोर पर जॉम्बीज भरे रहते हैं। तभी डेंजी कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना, अभी तक हमें जॉम्बीज ने नहीं देखा है। तभी पावर चिल्लाती है कि मेरा नाम पावर है। डेंजी बोलता है कि प्लीज ये मत करो, नहीं तो जॉम्बीज हमें मार देंगे। तो पावर कहती है कि हम लोग इन्हें खत्म कर सकते हैं। पावर अपना ब्लड वेपन यूज करती है और उन्हें खत्म करने लगती है और कहती है कि देखो मैं इन्हें खत्म कर रही हूँ। पावर कहती है कि देखो मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं जॉम्बी से लड़ रही हूँ, मुझ में पावर है। डिंजी को पावर कहती है कि देखो मैं सबको कैसे मार रही हूँ, मुझ में सबसे ज्यादा ताकत है, तुम ये बात जाकर सबको बताना। उसके बाद डेंजी लड़ने के लिए लिफ्ट से बाहर आ रहा होता है, अपना चैन खींचने ही वाला होता है। तभी देखता है कि डेविल मैन उसके सामने है। डेविल मैन कहता है कि रुको रुको, क्या हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो डेंजी कहता है कि क्या बात करनी है। तो डेविल मैन कहता है कि हमारे टीम के आदमी और हम सारे सरेंडर कर देंगे अगर तुम हमारी बात मानोगे तब। तो डेविल मैन कहता है कि मैं सबका बदला लेना चाहता हूँ, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। तो डेंजी कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, वो जॉम्बी में बदल गए थे, जिसके कारण वो जिसे भी काटते थे जॉम्बीज में बदल जाते थे, इस वजह से उन्हें खत्म करना पड़ा। तो डेविल मैन कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम जैसे लोग झूठ ही बोलते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जॉम्बीज भी बन गए थे तो पहले तो इंसान ही थे ना, क्या तुम्हें जॉम्बीज को खत्म करने में बुरा नहीं लगता। तो डेंजी कहता है नहीं। डेविल मैन कहता है कि पहले से मेरे जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आया है और मेरा दिल डेविल मैन से बदल गया है, लेकिन जब मैं जॉम्बीज को खत्म करता हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आता है,
क्योंकि मुझे ज़ॉम्बीज को मारने में बुरा लगता है क्योंकि वो भी इंसान ही थे और सिर्फ तुम ही हो जिसका दिल इंसान का अब नहीं है। तो अब तुमने जो भी इंसानियत बची है इसलिए तुम बिना मुझसे फाइट किए मुझे तुम्हें खत्म करने दो। तो डेंजी कहता है ऐसा नहीं होगा। तब डेविलमैन कहता है कि ठीक है अब मैं तुमसे लड़ूंगा और वो अपने हाथ को खींचता है और उसके अंदर से एक धारदार हथियार निकलता है। वो डेविलमैन में बदलता है और डेंजी भी अपना चैन खींच देता है। वो दोनों फाइट करते हैं और डेविलमैन डेंजी को खिड़की से लेकर कूद जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेंजी एक ट्रेन के ऊपर गिर जाता है और देखता है कि वो डेविलमैन कहाँ गया। तभी वो डेविलमैन डेंजी के ऊपर आ जाता है और ट्रेन के छत को फाड़कर बोगी के अंदर चल जाता है। तभी दोनों के बीच एक फाइट होती है और वह एक फाइट के कारण ट्रेन को रोक दिया जाता है और दोनों दरवाजे खुल जाते हैं जिससे कि सारे पैसेंजर्स वहां से भाग जाते हैं। तभी ट्रेन में एक लड़की बच जाती है। डेंजी लड़की को बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ खो देता है। वो दोनों जब लड़ते रहते हैं तब वो लड़की वहां से भाग जाती है और बच्ची बच जाती है। डेविलमैन उस पर वापस से हमला करता है और डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।